अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है सैयद सादी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैयद सादी। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से 295 सॉन्ग की तरह के विजुअल बना सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर ही। तो गाइस, जैसे कि आपने 295 सॉन्ग में देखा होगा कि एक क्रॉस पड़ा हुआ था, उसके ऊपर 295 लिखा हुआ था। अगर आप वो बनाना चाहते हैं, वो आप किस तरीके से बना सकते हैं, तो वो मैं आज आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी एक लाइक कर दें। सबसे पहले आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करना है, अगर नहीं है तो प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। ऊपर 3 डॉट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, यहाँ से आपको इमेज साइज पर क्लिक करना है और यहाँ कस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ से यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट कर लेना है, उसको यहाँ से आपने ओके करना है। उसके बाद आपने इस न्यू टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट करना है। उसके बाद आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ से एक शेप लेनी है, शेप को आपने कुछ इस तरीके से लंबा करना है फुल। और उसके बाद आपने इसको यहाँ से रेड कलर कर लेना है, उसके बाद इसको आपने यहाँ से टिक कर लेना है। उसके बाद आपने इसको कुछ इस तरीके से रोटेट करना है, फुल रोटेट नहीं करना है, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक वैसे आपने रोटेट नहीं करना है, आपने इसको कुछ इस तरीके से रोटेट कर लेना है। उसमें थोड़ा सा और यहाँ से इस तरीके से रोटेट करके यहाँ पर लगा लेता हूँ। और उसके बाद आपने इसको यहाँ से लॉक करना है। उसके बाद यहाँ से आपने इसका डुप्लीकेट लेना है। डुप्लीकेट लेने के बाद आपने सर्कल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से नीचे आना है और यहाँ से आपने इसको रोटेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके तो आप देख सकते हैं यहाँ पर -44 है, तो हमने इसको आप +44 कर लेना है। तो मैं इसको यहाँ से +44 कर लेता हूँ। तो मैंने इसको अब यहाँ से +44 कर लिया है। उसके बाद इसको मैं यहाँ पर टिक करूँगा और इसको मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा लूँगा और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये यहाँ पर बन गया है। उसके बाद आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करके इसको आपने यहाँ से सेव गैलरी पर कर लेना है। सो अब ये हमारी गैलरी पर सेव हो गया है, दोनों को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ से न्यू टेक्स्ट लेना है, न्यू टेक्स्ट पर आपको डबल टैप करना है और यहाँ से आपने लिख लेना है 295। तो पहले मैं स्पेस दूँगा, फिर 295 लिख के फिर स्पेस दे दूँगा। उसके बाद इसको मैं यहाँ पर डन करूँगा। डन करने के बाद उसका साइज में कुछ इतना बड़ा करूँगा। उसके बाद आपने सेम इसी को वही रेड कलर यहाँ पर भी कर लेना है इस तरीके से। और उसके बाद आपने यहाँ ए बी फॉन्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से मैं इस पर ये रोबोट वाला एक बोल्ड फॉन्ट है ये मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। उसके बाद इसका साइज आपने अपने हिसाब से रख लेना है। उसके बाद मैं यहाँ से रिलेटिव पोजिशन की मदद से इसको बिल्कुल सेंटर पर लगा लूँगा। और उसके बाद इसको भी आपने उसी तरीके से सेव कर लेना है अपनी गैलरी में। अब बारी है इसको लगाने की वीडियो पर, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कैप कट का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो अगर आपके पास नहीं है तो ये भी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और उसके बाद आपने इसको यहाँ से ओपन करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको अपनी वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है। सो मेरे पास ये एक वीडियो है, तो इस पर मैं इसको लगाने वाला हूँ। यहाँ से आपको नीचे आना है, रेशो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको YouTube पर 16:9 कर लेना है और टिक कर लेना है। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये मेरे पास वीडियो है, इस पर मैं लगाऊंगा इसको। सबसे पहले आपने वीडियो पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको एडजस्टमेंट पर क्लिक करना है एडजस्ट। उसके बाद सैचुरेशन को आपने बिल्कुल लो कर लेना है, ये ब्लैक एंड वाइट में हमारे पास आ जाएगी वीडियो। तो जिस वीडियो पर भी आप इसको लगाएंगे तो वो वीडियो ब्लैक एंड वाइट में होनी चाहिए, तो उस पर ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद आपने ओवरले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऐड ओवरले पर क्लिक करना है और जो भी हमने डाउनलोड किया है वो हमने यहाँ पर लगा लेना है। पहले मैं स्क्रॉल को यहाँ पर लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। और उसके बाद आपने ब्लेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसको यहाँ से आपने डार्कन कर लेना है। उसके बाद इसको मैं यहाँ से टिक कर लेता हूँ और इसको आपने अपनी वीडियो के एंड तक लगा लेना है। और उसके बाद आपने दोबारा ऐड ओवरले पर क्लिक करना है, जो हमारा 295 है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको भी आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है और उसके बाद इसको मैं यहाँ पर लगा लूँगा कुछ इस तरीके से, सेंटर में मैं इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ। सो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर लग चुका है। और अब जो क्रॉस है इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूँ कुछ इतना, यहाँ पर ये सेंटर में बिल्कुल हो जाएगा। तो इसकी टाइमलाइन को आपने अपनी वीडियो के एंड तक ले जाना है। तो आप देख सकते हैं कुछ इसी तरीके से ये 295 सॉन्ग की तरह लग रहा है, बिल्कुल देख सकते हैं आप, बिल्कुल उसी तरह लगता है। अगर आप इस पर सॉन्ग लगाएं तो बिल्कुल 295 सॉन्ग की तरह ही लगेगा।
सो उसके बाद आपने यहाँ ऊपर इसकी वीडियो क्वालिटी सेलेक्ट करनी है और उसको आपने यहाँ से सेव कर लेना है। या वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।